करते हैं आपकी टू का इस्तेमाल, लेकिन सेंटेंस पे गौर करें, ही इज पुअर टू पे द बिल्स। अब इसका क्या मीनिंग है? वो गरीब है, बिल नहीं दे सकता, क्योंकि बिल देने के लिए ये वो गरीब है, बिल देने के लिए ये कोई मीनिंग नहीं है इसके। लेकिन आप कहना चाहते हैं कि वो इतना गरीब है, इतना गरीब है कि बिल नहीं दे सकता, आप इस किस्म का सेंटेंस बनाना चाहते हैं, तो इसमें टू का इस्तेमाल होता है। लेकिन टू का इस्तेमाल कैसे होगा? इसमें एक सेंटेंस ही कंप्लीट है और उसके बाद ये फ्रेज आई हुई है, ये इसका सेकंड पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट अगर आप यहाँ पर फोर के बाद फुल स्टॉप लगा दें तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। जी जी ठीक है। अब हमने इसको करना है कि इतना गरीब है कि बिल नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, देखिए नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव नहीं बनेगा। हम कहते हैं he is too poor to pay the bill। अब इस टू ने क्या किया, इसने इस सेकंड पार्ट में जो फ्रेज है इसको इम्पॉसिबल कर दिया, यानी कि अब ये वाला काम नहीं हो सकता जो इसमें दिया गया। जी, जी, जी। और वो इतना, और टू खुद क्या दे रहा है, इतना, इतने की सेंस दे रहा है, ये इस टू को वो इतना गरीब है कि बिल नहीं दे सकता, इम्पॉसिबल हो गया। जी जी ठीक है। तो ये टू जो है फर्स्ट पार्ट में आता है और ये इफेक्ट सेकंड पार्ट को करता है, उसे इम्पॉसिबल बना देता है। ठीक है जी जी। फिर आए इनफ का इस्तेमाल। इनफ, He has money to pay the bill। अब हम कहना चाहते हैं कि उसके पास इतनी दौलत है कि वो बिल दे सकता है। ये जो सकता है ना, ये सेंस लानी है और इतनी की सेंस लेकर आनी है। देखिए ये सेंटेंस भी आती है वाली सेंस। He has money to pay the bill, उसके पास पैसे हैं कि वो बिल दे, to pay bill, ये बिल दे, ये वाली सेंस तो नहीं बनी कि उसके पास इतनी दौलत है कि वो बिल दे सकता है। तो हम कहेंगे He has enough money, उसके पास इतने पैसे हैं कि वो बिल दे सकता है। अब ये जो enough है, इसने भी सेकंड पार्ट पर इफेक्ट किए और इसको sufficient बना दिया। ये सेकंड पार्ट को सफिशिएंट बना देता है और ये खुद क्या सेंस देता है, इतना या इतने की सेंस देता है, जैसे ये टू दे रहा था, ये उसके पास इतनी मनी है कि वो बिल दे सकता है, सफिशिएंट हो गया कि ये पार्ट हो सकता है। अब यहाँ पर चीज और इनफ जो है ना, इनफ आया है और इनफ के बाद नाउन आया है। ठीक है, मनी नाउन है, इनफ और नाउन का। अगर आप एडजेक्टिव इस्तेमाल करना चाहें तो फिर उलट हो जाएगा। He is rich enough, वो इतना अमीर है कि बिल दे सकता है, ये भी कोई मीनिंग नहीं है। अब यहाँ पर क्या बना, He is rich enough, वो इतना अमीर है कि बिल दे सकता है, ये सफिशिएंट हो गया। और ये इनफ ने जो इतना रिच, इतना का सेंस दे दिया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एडजेक्टिव है रिच, तो एडजेक्टिव पहले आएगा और नाउन बाद में आएगा। ठीक है जी। फिर है लास्ट, हाँ जी, ये जो इनफ है ये हम पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल करेंगे और टू हम नेगेटिव के लिए इस्तेमाल करेंगे। हाँ जी, वो नॉट के लिए इस्तेमाल होता है, नहीं हो सकता, और ये हो सकता के लिए इस्तेमाल। ठीक है सर। अच्छा, अब वेरी का इस्तेमाल। वेरी जो है ना, ये सिर्फ इंटेंसिटी चेंज करता है और कुछ नहीं करता। जिस क्वालिटी के साथ, जिस एडजेक्टिव के साथ लग जाएगा उसकी इंटेंसिटी चेंज कर देगा। इसका ताल्लुक सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट किसी से नहीं होता। इसका ताल्लुक उस वर्ड से होता है, उस एडजेक्टिव से होता है जिससे पहले ये आता है। जैसे वेरी हॉट, बहुत गर्म। अब हॉट गर्म था, वेरी लगाया तो इंटेंसिटी बढ़ गई, ज्यादा हो गया। वेरी पुअर नॉर्मल था, पुअर वेरी पुअर बहुत ज्यादा हो गया। इंटेंसिटी इसकी, इसको मॉडिफाई कर दिया, इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी।
एडजेक्टिव से पहले आएगा और उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देगा।